हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक नई चीज लेके आई हूँ, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड आप लोग घर पे इजीली बना सकते हैं। छोटे बच्चों को बोर्ड पे लिखना बहुत पसंद होता है, इसीलिए मैं आपके लिए व्हाइट बोर्ड लेके आई हूँ। व्हाइट बोर्ड हम घर पे ही बना सकते हैं इजीली। उसके लिए चाहिए हमें कार्डबोर्ड। अगर आपके पास ऐसा कोई कार्डबोर्ड नहीं है तो आप जो भी आपके पास नोटबुक फिल हो चुकी है, वेस्ट नोटबुक है, उसका फ्रंट कवर जो होता है उस कवर को आप यूज कर सकते हैं। और आपको टेप चाहिए, फेविस्टिक चाहिए, फेविस्टिक या फेविकॉल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, सीजर और वाइट पेपर एंड ट्रांसपेरेंट शीट, वूल चाहिए डस्टर बनाने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने ये कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड में हमने ये व्हाइट पेपर पेस्ट करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे फेविस्टिक लगा लूंगी इसको एडजस्ट करने के लिए। इसको सेंटर लेके मैं इसमें इसको पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए, ये और अब हम इसको इस तरह से इसको पेस्ट करेंगे। मैंने यहां से कट कर लिया है, आप चाहे तो बिना कट करे भी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम इस पेपर को ऐसे पेस्ट करेंगे पूरे, उसमें आप अच्छे से फेविस्टिक लगा लीजिए और इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए, मैंने कार्डबोर्ड में यहाँ पे सेलो टेप लगाकर अच्छे से ये व्हाइट पेपर को इस पे कवर कर दिया है। अब मैं ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है इसको इस पे पेस्ट करूंगी। ये देखिए, इसमें मैंने ट्रांसपेरेंट शीट लगा ली है सारी, इस तरह से इसको कवर कर लिया है। अब हम इसका बॉर्डर रेडी करेंगे। व्हाइट बोर्ड जैसे लगना चाहिए ना, इसके लुक के लिए हम लोग ये जो डॉक्टर टेप होता है मैंने वो यूज किया है। मैं ये बॉर्डर बना रही हूं। ये मैंने इसमें बॉर्डर पेस्ट कर दिया है और ये हमारा व्हाइट बोर्ड रेडी। अब चलिए हम इसका डस्टर बनाते हैं। डस्टर के लिए मैंने वूल लिया है, आप कोई भी कलर का वूल ले सकते हैं। और हमने इसको ऐसे अपने तीन फिंगर में रैप करना है इस तरह से। ये थ्रेड कट कर दिया, अब मैं इसको ऐसे मैंने फिंगर से निकाल दिया है और इसको सेंटर पे लेके ऐसे टाइटली मैं नॉट लगा दूंगी इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने इसमें नॉट लगा दी है। बस अब हमने इसको कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए, बस जो एक्स्ट्रा है उसको हम ऐसे निकाल देंगे। बहुत इजी है, डस्टर भी बहुत इजी है। आप इसकी जगह डस्टर बनाने के लिए वूल ले सकते हैं। अगर आप वूल का डस्टर नहीं बनाया था तो आपके पास कोई फोम है तो आप फोम यूज कर सकते हैं रेस करने के लिए। और ये हमारा डस्टर रेडी है। चलिए, ये हमारा व्हाइट बोर्ड और ये हमारा डस्टर। चलिए अब हम इसको यूज करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिखा और अब इसको हम इरेज कर देते हैं, है ना इजी। ये देखिए, हम कुछ भी बना सकते हैं। और फिर